सभी मित्रों को नमस्कार। मंजुल भगत जी पर चल रहे एकाग्र की यह दूसरी कड़ी है और इसमें हमारे साथ चिर परिचित लेखक मृदुला गर्ग जी जुड़ी हुई हैं। मित्रों, आज की इस कड़ी में हम लोग मंजुल भगत जी की एक बेहद खास कहानी का पाठ सुनेंगे। रौनक, कैसे एक चरित्र प्रधान कहानी की बुनावट होती है, कैसे एक जिद्दी रचनाकार अपने पात्र की दबी छुपी जो उसके जो दबे छुपे जो रहस्य हैं उसके मर्म तक पहुंचकर ही मानता है। मंजुल भगत एक ऐसे ही रचनाकार हैं। एक भीड़ भाड़ के मोहल्ले में पुरानी दिल्ली के कुछ खरीदारी करते हुए लेखक को जब एक पात्र कुछ खास रोचक लगता है तब बैठे ठाले एक ही जगह पर किसी हठीले बच्चे की तरह वह रुका रहता है, बार बार सवाल कर रहा होता है, जबकि उसको डराने के लिए, उसको उसके सवाल से ध्यान हटाने के लिए लोग कई तरह की बातें करते हैं। मोहल्ले में भीड़ बढ़ सकती है, कर्फ्यू का कुछ अंदेशा हो सकता है, विलंब हो रहा है, अकेली जान है, मगर मंजुल भगत जैसी रचनाकार अंततः उस पात्र के रहस्यों को जानकर ही मानती हैं। एक बेहद महत्वपूर्ण कहानी और एक गजिन बुनावट की कहानी। और वैसे भी मंजुल भगत के कथा साहित्य की बात करें तो वहाँ भाषा पर अलग से बात करने की जरूरत तो पड़ती ही है। और दूसरी आज की कड़ी की खुशबू यह कि स्वयं इस कहानी का पाठ एक सिद्धहस्त कथाकार करने जा रहा है। मृदुला गर्ग जी इस कहानी का पाठ करेंगी। आप जानते हैं मंजुल भगत और मृदुला गर्ग दोनों बहनें हैं और अचला बंसल जी को भी जोड़िए, ये तीनों बहनें लेखन में सक्रिय हैं, खूब खूब सक्रिय हैं। और कहीं एक प्रसंग आ रहा था कि जब इनकी नानी ने कहानियां नहीं सुनाई तो ये स्वयं ये तीनों बहनें कहानियां कहने बैठ गई। तो आइए मृदुला गर्ग जी को आमंत्रित करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। जी बहुत बहुत नमस्कार मृदुला जी, स्वागत। नमस्कार। अच्छा लग रहा है और आज आपको देखकर अज्ञे पर केंद्रित आपका वक्तव्य भी याद आ रहा है। वहां भी जिस तरह से मंजुल भगत जी की चर्चा होती है, आप दोनों का जो अपना एक खास अंदाज लोगों से बात करने का, वह भी कमाल का है। तो शुरुआत करते हैं इस कड़ी की और आपसे अनुरोध कि इस कहानी को लेकर इसकी कुछ एक खास, इसके प्रकाशन से जुड़ी एक खास याद है, कुछ वह दुखद याद भी है, उसकी बात हो, कैसे यह कहानी एक विशेष महत्व रखती है उसकी बात करें और फिर हम कहानी को पढ़ेंगे। और मैं मित्रों से कह दूं, इस कहानी के साथ जुड़ें, जो लोग पहले भी पढ़े होंगे उन्हें भी मृदुला जी के इस पाठ के साथ जुड़कर आनंद आएगा। और कार्यक्रम के अंत में इस कहानी के बाबत या ऐसे चाहे जो भी कोई प्रश्न भी रख सकते हैं। जी मृदुला जी। जी शुक्रिया। कहानी पढ़ने से पहले मैं एक बात बतलाना चाहती हूँ। ये कहानी उस दिन छपी थी हंस में जिस दिन मंजुल का इंतकाल हुआ।
मतलब प्रेमचंद का जन्म दिवस और मंजुल की पुण्यतिथि एक ही है। जिस दिन प्रेमचंद का जन्म हुआ उसी दिन मंजुल भगत की मृत्यु हुई। और आप जानते ही हैं कि 31 जुलाई को हंस एक जश्न, बड़ा जश्न करता है, और 1998 में मैं भी उस जश्न में मौजूद थी। और वो हंस पत्रिका आखिर में बंटने वाली थी और उसमें वो रौनक कहानी भी थी। जब कुछ देर बाद मुझे लगा कि भाई हंस तो बाद में भी मिल जाएगा, चलती हूँ, मगर फिर भी मैं बैठी रही। मगर अचानक मेरे पता नहीं क्या हुआ, मुझे ऐसे लगा कि मंजुल कह रही, अरे छोड़ पड़े, घर लौट। और मैं वैसे के वैसे बिना किसी को दुआ सलाम किए उठ के हंस हाथ में लेके घर आ गई। जैसे ही घर पहुंची उसके बेटे शरद का फोन आया कि मम्मी का कार्डियक अरेस्ट। ऐसे लगा मुझे कि जाते जाते उसने मुझे पुकारा था। और ये इतने बरस बीत गए मगर मुझे अभी भी लगता है हाँ उसने मुझे पुकारा था। और फिर ये कहानी, इस कहानी का पाठ मैं एक बार पहले भी कर चुकी हूँ। इसका पाठ खुद मंजुल ने किया था, तो उसके पाठ के बाद पाठ करना बहुत मुश्किल काम है, मगर इसका पाठ मैंने एक बार और किया था पहले, जब भारतीय ज्ञानपीठ ने मंजुल का जो अंतिम कहानी संग्रह था, उसका नाम था अंतिम बयान, उसका लोकार्पण किया था, तब वहां मैंने इस कहानी का पाठ किया था। और जाहिर है वो तो मौका माहौल भी ऐसा था और ये सारी यादें ऐसी थी कि एकदम सत्ता सा छा गया था। तो शुरू करूं, कहानी पढ़ना शुरू कहानी करूं? पढ़ना शुरू करो। कहानी जी स्वागत। का नाम है कहानी का रौनक। नाम है रौनक। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, काले मैले बुरके का नकाब उलटाए, हथेली पसारे वो मुझसे मुखातिब थी। मैं उसे टक लगाए ताकती रह गई थी, क्योंकि उसकी निगाह भी तो मेरी आंखों में उतरी थी। खर पतवार में दबी ढकी पुरानी कब्र की काई लगी ईंट हो जैसे, काई में से झांकती धुआं धुआं आंखें। रंग कभी साफ रहा होगा, अब तो काई पर भी राख चढ़ी थी। फटे फटे से होंठों पर पान के बासी दाग जमे थे, वो बुदबुदाने लगी। रोजा खोलूंगी बेगम साहिबा, रमजान का महीना है, रोजा खोलना जरूरी है, जैसे दूसरे दिनों की फाकाकशी दुरुस्त हो। वो एक हकीकी सच की सूरत लिए मेरे सामने खड़ी थी। न जाने कौन सा जीना उतरा होगा, कितनी सीढ़ियां कहाँ से फलांग कर ये हुलिया बना होगा। मेरे खुद के चेहरे पर उसे क्या दिखाई दे रहा होगा? क्या फकत थकावट, प्यास और शीरमाल रोटियों की तलाश? खुदाबंद करीम अगर चाहें तो आप मेरा रोजा खुलवाने का सवाब हासिल कर सकती हैं। उसकी फैली हथेली पर 2 का सिक्का टिकाते हुए मेरी निगाह अपने आप झुक गई थी। उसने भी कोई दुआ नहीं दी थी, मानो 2 के सिक्के का लेन देन मेरे और खुदाबंद करीम के बीच का मामला। अल्लाह के प्यारों पर पड़ती इल्लत किल्लत और जिल्लत की कौन कहे और कब तलक। उसकी साफगोई ने मन पर से 2 के सिक्के की बदौलत खिसके बोझ को वापस लपटका। मैं कौन सा कोई अफसाना निगार हूं जो अपनी जिंदगी, क्या ये कोई नजूमी है क्या? लिख लिखा तो मैं लेती हूं पर इतना, सॉरी सॉरी 1 मिनट, लिख लिखा तो मैं लिख लेती लिखा तो हूं मैं लेती पर हूँ। इतना तपाक सा अंतर्यामी ऐलान। उसकी अपनी जुबान तो देखो कितनी साफ है। दुकान पर तख्ती लटकी थी, अच्छन मियाँ बेकरी वाले गद्दी पर बड़े मियाँ बैठे
तंदूरी रोटियां और नान तोल कर अखबार में लपेट कर ग्राहकों को पकड़ा रहे थे। तंदूर भट्टी वहां नहीं थी, बस गर्मा गर्म रोटियां सिक कर पीछे कहीं से लाई जा रही थी। अच्छन मियाँ, पानी पिलवाए जरा, मैंने आग्रह किया। कल पिलाएंगे, अच्छे से अच्छन मियाँ इत्मीनान से बोले। जी, मेरा कंठ प्यास से सूखा जा रहा था। ऐसा है बीबी जी, हम रोजों में ना पानी पीते हैं ना पिलाते हैं, और आज आखिरी रोजा है। ओह, आह खींचने से गले की खुश्की को जरा तरावट मिली। चले तो जाओ बब्बन पीछे तंदूर पर, खड़े खड़े 6 शीरमाल रोटियां लगवा लो, और सुनो जरा लप के चले जाना, ऐसा ना हो कि मालूम चला इन नेक खातून का भी रोजा रखवा दिया। अच्छन मियाँ ने आदेश दिया तो बब्बन हंसता हुआ उठकर चल दिया, कदम कदम जगह बनाता हुआ। पैरों के नीचे धरती दिखलाई ही नहीं दे रही थी, इतनी तो भीड़ थी गलियों में। अब तो आंख फूटी, पीर गई, कुछ भी करने कराने, दिखने दिखाने, बनने बनाने से बरी हो गई मेरी जान। मेरी 2 के सिक्के को मैं इतनी ताब नहीं थी कि उसका बुदबुदाना रोक सके। वक्त ने न जाने कितनी करवटें बदली होंगी कि उसकी जिंदगी यूं पुरशिकन हो रही। मेरी शीरमाल रोटियां लग के आ रही, गदेली गुदास रोटियां, सुनहरी भाप और मिठास में घुली हुई। वहीं के वहीं बुरख मार जाने को मन हुआ, तोते की तरह उतर लूं जरा सी। 7 रुपए की एक है, आपने 6 लगवाई हैं बीबी, अच्छन मियाँ ने याद दिलाया। शतरंज की बिसात सौट गया सब कुछ, बुरके वाली भिखारिन की बुदबुद जारी थी। मैंने बेकरी वाले के 42 रुपए गिन दिए। आपके दिल्ली की सर्दी छुरी की मानिंद जिस्म जान को काट देती है, हमारी वादी की प्यार से छू कर चली जाती है। बगल में कोई कश्मीरी व्यापारी खड़ा बतिया रहा था, उन तंग गलियों में क्या तो ठंड होती और कहाँ से होकर हवा गुजरती। मैंने अपना स्वेटर उतार दिया। इस बार शाहतूश भी लाया हूं, बैंड आइटम है। मेरे कंधे पर शॉल भी फालतू सी लगी। ठट के ठट लोगों के गर्म सांसों ने माहौल दमघोटू सा बना रखा था। हालांकि आसमान बादलों का कंबल ओढ़े था धूप को रोके हुए। कश्मीर हो आने को मन तो बहुतेरा मचलता है। हमारे एक दोस्त हैं नजर कंवर अखबार नवीस, वो तो कहते हैं वहां क्या कुछ खून खराबा नहीं हो रहा। अरे अखबार नवीस को तो बस दुम भर दिखला दो, अपने आप पूरे कदबुद का हाथी तैयार कर जाएगा। फिर नजर कंवर तो माहिर हैं इस फन में। हमारी आंखें फर्श राह रहेंगी जनाब, आप आए तो सही। बराबर में गुफ्तगू जारी थी। अच्छन मियाँ, वो 6 बाकरखानी भी लगवा देते, मैंने कहा। अच्छन मियाँ कहीं दूर ताक रहे थे, चौंक से गए। अब इन्हीं को समझ लो बाकरखानी भी। बीबी, अब तुम घर पहुंच लो तो बेहतर हो, थकी मांदी हो बहुत। बड़े मियाँ मेरी ओर से चिंतित लगे थे। भिखारिन भी कुछ दूर खिसक ली। वो कौन है बड़े मियाँ? जैसी खान वैसी मिट्टी बीबी। ये तो मेरे सवाल का खुलासा ना हुआ अच्छन मियाँ। जब बेटी का कद मुजेर से ऊंचा हो जाए तो उसकी शादी कर देनी चाहिए। हमारे घर पर भी बच्चियां हैं, 10-12 की हुई नहीं कि उनकी अम्मी दहेज के लिए कसीदाकारी शुरू कर देंगी और रिश्ता तय कर देने तक हमारी जान कुराई रहेगी, बड़े मियाँ ने पारसाई अंदाज में कहा। मूसा का गुल, मूसा का गुल, एक शीशी कुल 6 रुपए में, कुछ 6 रुपए में, मसूड़ों जोड़ों का कैसा भी दर्द, जड़ से गायब गुम। कोई बहरूपिया दवा दलाल एन मेरे सिर पर तैनात हो चुका था
और कमर लचकाकर बड़े मसखरे अंदाज में मूसा के गुल की वकालत कर रहा था। अच्छन मियाँ, कौन थी वो? मैं बंधी रोटियां थामे वहीं खड़े पर पैर लटका के बैठ गई और सुस्ताने लगी। अच्छन मियाँ कुछ अचकचाए, फिर छेपे से किसी ग्राहक की सादा तंदूरी बांधने लगे। बड़े मियाँ, हुजूर, हुक्म सरकार, वो भिखारिन, उसकी बोलचाल, घर जाओ ना बीबी, हम रोजों में ज्यादा बात नहीं करते। अच्छन मियाँ कुछ उखड़ से गए। जब नसीब में हो मेहरबान, तब सीखिए अभी पहलवान, हमारे यहां से दवा ले का जाकर खाइए, घंटे भर बाद ही आजमाइए। कोई दवा फरोश था, दो दुबले तसले से पिचके गालों वाले, खांसते खंकारते अधेड़ों को घेरे था। मेरी निगाह उस तरफ होकर फिर बड़े मियाँ की ओर आ गई। मेरी आंखों में वही प्रश्न बुलबुला रहा था। खुदा खैर करे, रोजा है बीबी, सवेरे से एक बताशा भी मुंह में नहीं गया, सहरी भी नहीं खाई, बेकरी वाले ने फरियाद की। उस भिखारिन का 20 कदम आगे कोई हंकाल रहा था, जैसे कुत्ते बिल्ली को हंकालते हैं। इर्द गिर्द इंसानों के बहते दरिया सा बहाव था। कहां से आई हो बीबी? अचानक अच्छन मियाँ तलब कर बैठे। मैंने लाल किले पर ऑटो छोड़ दिया था, फिर पैदल दरीबा कला की गली आधे तक पार कर ली थी कि एक साइकिल रिक्शा वाला बहुत मिन्नतें करने लगा। मैं उसके रिक्शे पर सवार हो ली। फिर क्या, जामा मस्जिद पर तो बैरियर था, उतरना पड़ा। जी हाँ, इन दिनों जुम्मा मस्जिद पर रोक लगा देते हैं। बड़े मियाँ, आप जामा मस्जिद को जुम्मा मस्जिद क्या इसलिए कह रहे हैं कि वहां हर जुम्मे खास नमाज अदा की जाती है? मैंने जिज्ञासा की तो अच्छन मियाँ पहले तो बेझिझक हंस दिए, फिर संजीदा हो गए। रोजे का लिहाज करके बोले, वहां बिल्ली मारन पर भी बेहद गर्द जमा है। वहां बिल्ली बिल्ली नहीं मारी जाती बड़े मियाँ, बल्ली मार कर जो किश्ती चलाते थे उसका मोहल्ला हुआ करता था, बल्ली मार। मैंने बड़े मियाँ का तहफ़ दुरुस्त किया। खैर, फिर मैं पांव पैदल चलती गई शिरीन भवन मिठाई वालों का पता पूछती हुई। अखबार में ऐसा ही छपा था, आधा हिंदू और आधा मुस्लिम नाम। होटल जमजम आया, होटल शान आया, होटल शाखा आया, पर शिरीन भवन नहीं आया। अरे ये तो रहा बगल में, शिरीन भवन, मुस्करा दिए। हाँ, शीरमाल रोटियों का ठिकाना पूछते पाछते मैं मटिया महल के बाजार में दाखिल हो गई। हाँ बीबी, बरसों से वही ठूसम ठूस, पेंच पुर्जों साइकिल पंचर से लेकर मोटरों तक के स्पेयर पार्ट की चली आ रही है। कोई तरतीब नहीं, नुमाइश सजावट नहीं, बस बदरंग स्याह, अटरम शटरम से अटा सटा था सब कुछ। मटिया महल की लंबी गली पैदल ही तय कर यहाँ पहुंची होंगी बीबी। जी हाँ, यहाँ इस चितली कबर की गली का नाम दो बुरकापोश खातूनों ने बतलाया। एक ने दूसरी से फुसफुसा कर कहा था, इनसे ज्यादा बात मत करो, बिंदी है कहीं, बम बम। इतना शको शुबा। अच्छन मियाँ टाल गए, बोले, कोई मन्नत मुराद मांगने इतनी दूर चले आए? तो यहाँ वाकई कोई चितली कबर है? मैंने पूछा। चद्दर चढ़ानी है? वो तो चढ़ा चुकी। कहाँ पर? चिराग दिल्ली में, दरगाह पीर बाबा सैयद जलालुद्दीन चिश्ती पर। मैंने बतलाया तो अच्छन मियाँ की बूढ़ी नजर मुझ पर बड़ी नरमाई से टिक गई, जैसे उनकी बंदा हमदर्दियां मुझसे ही हों। वो कौन थी बड़े मियाँ? मैंने चौंक कर फिर अपने प्रश्न पर आगे, थी कोई छोटी सी मिल्कियत और नामालूम सी हैसियत वाली,
अच्छन मियाँ ने मायूसी से कहा, पर थी हैसियत मिल्कियत वाली। इसकी माँ को देखने की तो अच्छों अच्छों की आंखों में ताब न थी। जब हुस्नदान के सामने बैठकर बालों में से पेच उलझाती, उनकी आवाज में हसरत उतर आई थी। हुस्नदान, सिर पेंच, मैंने जरा हैरत से दोहराया। इतने में कहीं से जरा जरा सरकता एक साइकिल रिक्शा चला आया, हैं हाँक कर सामने वालों को चिताता जा रहा था। आ जाओ जी बीबी, कहाँ रास्ता चलोगी? रिक्शे वाले ने मुझे उकसाया। जाने कौन सी गुजरी सदी थी जो इन गलियों की सुस्त रफ्तार में कैद होकर रह गई थी। अच्छन मियाँ ने आवाज देकर रिक्शा ठहरा लिया और बड़ी उम्मीद से मेरी ओर ताका, जैसे मेरे चले जाने से उनकी उलझन कम होती हो। मालिक लीजिए, पान भी है, पान की जान भी है। जरा दूर पर पान वाला कनखियों से मुस्कराता किसी शौकीन का बीड़ा बांध रहा था। कौन है वो औरत? कौन? रौनक? रौनक नाम है उसका। न जाने मुझे उस भिखारिन का नाम सुनकर आश्चर्य क्यों हुआ। अक्सर उल्टे नाम रख दिए जाते हैं लोगों के, या कि तकदीर उन्हें उल्टा दिया करती है। कोई जीवन भर का लेखा जोखा करके तो आदमी का नाम रखा नहीं जाता। दूर सरकती हुई बदरंग बदहाल धब्बा सी रौनक उस पुरजोर बाजार में तन्हा डोलती एक जान। बड़ी आशा से इसका नाम रौनक रखा होगा इसके माँ बाप ने, पर उसकी पाकीज़ा उर्दू और साफ जुबान। बड़े मियाँ ने जैसे मुझे पढ़ लिया, बोले, उसकी अम्मा ने तो उसके लिए तालिब खां से घर में ही मदरसा खुलवा लिया था। पर इन बातों से क्या होता है, न दीन की रही न दुनिया की। आ जाओ ना बीबी, सहज में पहुंचा दूंगा। मेरे रिक्शे पे 6 घरों की ही बैठती हैं, रिक्शे वाले ने निहारा किया। लोग उसके रिक्शे को ठेलते लचकाते आगे बढ़ रहे थे। 5 जनों की जगह घेरे था। अच्छन मियाँ भी उसकी पैरवी करने लगे। देखो बीबी, पीछे लौट के आपका न जाना ही मुनासिब है। उधर मस्जिद की तरफ बेहिसाब रोक टोक होगी, इधर से नाक की सीध में बढ़ती जाए। बाएं हाथ को कूचा कुआला खां आएगा। वहीं से मुड़ना है क्या? मैंने पूछा। कतई नहीं, वो कूचा छोड़ ही देना है। कूचा रोहिल्ला खां से होकर आप सुईवाला पहुंच जाएंगी। फिर क्या, बस जाती रहिए जाती रहिए। एन दरियागंज के मुहाने पर रिक्शा छोड़ दें। मेरा जी एकदम से घबरा उठा। लाल किले के सामने से बाजार में दाखिल हुई और निकलूं तो दरियागंज, वो भी सुई के नाके में से होकर। पर अब घबराने से क्या होगा, घबराने नहीं देना है दिलविल। मैंने अपने आप को बरजा, इस जमघट से बाहर तो होना ही है ना। एक बार सीने में घबराहट दे रही तो नस नस में पुर जाएगी, शरीर का पानी पसीना बन लथड़ने लगेगा, दिल यूं उछलेगा मानो ठोकर खाकर मुंह के बल जा पड़ा हो। धड़ 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 यूं ही बनी रही, ना ना तटस्थ निष्काम। नहीं तो फिर आई क्यों थी? इस कोलाहल को अपने से बाहर ही रहने दो। बाजार की रौनक देखो, सामने सेवैयों से पराते लदी पड़ी थी, खजूर का अंबार लगा था। कल ईद उल फितर है, बच्चों की मीठी ईद। हिंदू औरतें भी सेवैयां खरीद रही थीं। बच्चों को मचलने को बहुतेरा बाजार भरा पड़ा था। सस्ते प्रसाधनों से दमकती दुकानों पर दोनों मजहबों की औरतें एक जान हो टूटी पड़ रही थीं। झूठी जरी के लाल परांदों में मोतियों की दिल फरेब लटकन, रंगारंग चोलियां, चकमक चप्पलें, चूड़ियों के झमकते लच्छे। आप घर से कब चली थी? अच्छन मियाँ ने मेरी हड़बड़ाहट हाँक ली थी। 1.5 घंटा पहले। मैंने तब से अब तक पहली बार कलाई घड़ी में झांकते हुए कहा। वक्त तलब करने की फुर्सत ही कहाँ मिली थी? सीधे यहीं आकर रुकी हैं? बिल्कुल
आगे कोई चौक चौराहा नहीं आएगा क्या? नहीं, बस एक तंगली में से दूसरी यूं ही फूटती रहेगी। यकीन नहीं हुआ कि बाहर इसी दिल्ली में मॉल रोड पर हवा आवारा फिर रही होगी। एक ही शहर में कई एक मौसम। बादल न भी होते तब भी यहाँ कौन धूप की चिटकन पड़ने वाली थी। इतने में देखा बुरके वाली भिखारिन मेरी जानिब पलट ली है। वो बचती बचाती आगे बढ़ रही है। वो आ रही है लौट के, मैं जोर से बोल पड़ी। उसे कुल 2 का तो सिक्का दिया था दान में। जानती हूं भिक्षावृत्ति को बढ़ावा देना गलत था, पर मैंने कौन सा उसे 2 के सिक्के के बदले कोई काम दिलवा देने का हौसला दिया था। पूछा तक नहीं था वो क्या कुछ कर सकती है। उधर देश में करोड़ों के घपले घोटाले हो रहे हैं। 2 का सिक्का क्या तो मेरा ईमान लेगा और क्या ही उसका। मेरी नजर उस धब्बा धब्बा औरत से बिंधी थी जैसे कहीं और देखना नजरों की फिजूल खर्ची हो। जैसे मुझसे मेरे उसे ना देखते रहने से वो कहीं अटक रुक जाएगी, नजरों से कतई ओझल हो जाएगी। वो हुजूर साहेब जेवर वालों की दुकान के सम्मुख मंत्रविद सी खड़ी हो गई। वो सिरपेच ही था जिसके चमकते दिलकश टीके को वो नजरों से पी रही थी। बिन ललचाए, बिना चाहे, बस ऐसे जैसे हम कुदरत का नजारा करते हैं, जैसे उस जेवर के नीचे कोई मोहब्बत भरा माथा हो। उसके होंठों को बरबस मुस्कराहट का लावण्य छेड़ने लगा। धीमे से बुदबुदाना होंठों को बंकिम कटाव देता हुआ उसको पीछे धकेलता घटाता हुआ अनायास वो मुस्कराहट उसके फन का इश्तहार सा लगने लगी। पर क्या था फन उसका? वो पीछे चांदनी महल में रहती थी, अच्छन मियाँ ने उकता कर कहा। आपने कहा था जैसी खान वैसी मिट्टी, कौन थी उसकी माँ? अब घर जाओ बीबी, रोजों में हम गब्बाजी नहीं करते, वो मानियत है। रौनक, अचानक मैंने गर्दन उचकाकर उसे आवाज दे दी। मेरी आवाज गेंद की मानिंद उछल कर ऐन निशाने पर लगी। वो बेतरह सक पका गई, कुछ यूं कि जैसे उसे सरे बाजार नंगा कर दिया हो। इधर उधर ताक कर उसने चौंकी चौंकी सी नजरें मुझ पर टिका दी। उसके होंठों पर से मुस्कान और इत्मीनान उछ गया था। अचन मियाँ मुंह खोले मुझे ताक रहे थे। उसे नाम लेकर कोई नहीं पुकारता, वो फुसफुसाए मानो उनका रोजा बेवक्त टूट जाने का खतरा हो। उसकी अम्मा बब्बन, इनका शीरमाल रिक्शे पे पहुंचा दे। बब्बन ने मुझे हिलता डुलता न देखा तो अपने आप भी बुत बना रहा। रंग रूप बख्शा आपने, मेहरबानी आपकी, मैं किसी काबिल न था, कद्रदानी आपकी। कोई कव्वाल था, खुदा के हुजूर में अर्ज कर रहा था। पान वाला तिलकधारी हिंदू था। उसने अगली कड़ी कुछ यूं गुनगुनानी शुरू की कि वही भजन बन गया। वो अरदास करने लगा। मेरे दिल के झरोके में रहे सूरत आपकी, दिन रात मैं देखा करूं मोहिनी मूरत आपकी। मोहिनी मूरत से ही कव्वाली काफिर हो गई और बुतखाने में चली गई। इस मीठी तकरार में पाक परवरदिगार और परमात्मा दोनों ही भुलाए बिसराए पीछे को पड़ गए। ये कव्वाल ईद उल जुहा पर चर्बीदार बकरे का कलिया हिंदू दोस्तों के यहाँ भेजता है। वे दोस्त का लाया लौटाते नहीं, अगर खुद नहीं खाते तो किसी खानदानी रिश्तेदार के पास भेज देते हैं। बब्बन बोल पड़ा। कुछ हिंदू औरतें गाती हुई जच्चों को कुआं पुजवाने गली से गुजरने लगी। नए बच्चे का 40वें दिन का जलवा था।
रिश्तेदारों दोस्तों को बच्चा दिखलाए जाने की रस्म अदायगी। रौनक उन औरतों की ओट में हो गई। ऊपर किसी घर में कीर्तन का अंतिम चरण था। होली दूर सही पर ऐसी भी दूर न थी कि रसिया को लेकर फाग न गाया जा सके। भक्ति रस विभोर हो गा उठी थी, गोरी गुजरी तू तो यार है मदन मोहन की। मैं मुस्कुराने लगी। कृष्ण को भगवान के रूप में पाकर पतिव्रता ग्रस्तों का छिपा दबा रूमानी रंग राग अच्छे से निकास पा गया। तबीयत बहली सी थी कि अच्छन मियाँ बीची में टपक पड़े। बीबी आपको घर पहुंचना है कि नहीं? पहुंचना है, मैंने घबरा कर कहा। आज ही? मतलब कि घर कूचा चितली कब्र में एकाएक कर्फ्यू का हुक्म हो गया तो समझ सकती हैं कैसी जानलेवा भगदड़ मच जाएगी। अब भी चल देंगी तब भी 1.5 घंटे में इस गढ़ से निजात पाएंगी। दरियागंज से अव्वल आपको सांस लेने लायक साफ हवा नहीं मिलेगी। जाहिर था मेरी मौजूदगी अब उन पर बोझ सी थी। घर दरियागंज और साफ हवा। दरियागंज पर हो जिसकी तवक्को मनसर ना उम्मीदी उसकी देखा कीजिए। जाने किस गरीब गरीब का कहा शेर था जो मेरे जहन में यूं उलट पुलट गया। मैं दिल ही दिल में हंस पड़ी। घबराहट भी कम होती सी गई। मैं शॉल स्वेटर और शीरमाल रोटियों की महक संभाले उठ खड़ी हुई। रौनक मेरे करीब थी। मैंने पर्स खोलकर 10 का नोट उसकी ओर बढ़ा दिया। तुम खैरात लेने से पहले क्या करती थी? अम्मी के कदमों तले जन्नत थी मेरी, उसने नोट थामते हुए कहा। कमबख्त की आवाज में सोज था। वो क्या करती थी? ये कमीना सा सवाल था जो कि उस बदहाल औरत से पूछा गया था जो गली गली हाथ फैलाकर भीख मांग रही थी। अम्मी ने भीख कभी नहीं मांगी, उसने फख्र से कहा। मुझे अपना आप और भी छोटा होता लगा। ये क्या कि 10 का नोट आगे बढ़ाया और बड़े अधिकार से किसी की मरहूम अम्मा के बाबत पूछना शुरू कर दिया। चलो चलो ना बीबी, एक वो जान को आफत रिक्शे वाला 5 जनों की जगह घेरे बीच रास्ते में धसा खड़ा था। पर यह भी जानती थी कि तैयार सवारी के ऐन सामने रहने से ही मेरा आत्मबल बना हुआ था। अभी तो सुई के नाके में से गुजरना बाकी था। तुम्हारे वालिद कौन थे? मैंने पूछा। रौनक की नजर चमक कर अच्छन मियाँ को बेतरह सोख गई। उस हिकारत भरी नजर के सामने अच्छन मियाँ सिहाई का फैला फूअर धब्बा सा नजर आने लगे। वो बैठे बैठे ही जरा सा बिदके भी। मैं भी चौंक गई। ऐसी तत्काल तत्पर प्रतिक्रिया की मुझे आशा नहीं थी, ना उससे ना अच्छन मियाँ से। अच्छन मियाँ का चुप सा इकरार था। तुम्हारी कोई आस औलाद? नजर भी कैसी गद्दार होती है, आदमी रोके की रोके कहीं की कहीं फिसल जाती है। उस नर्म गर्म सी निगाह में कुछ हसरत थी और बहुत सा फख्र जो बब्बन को सहला गई। तभी पीछे वहां से एक मोटी मुर्गी कुड़कुड़ाती हुई राहगीरों के पैरों में अड़ती फंसती गली में आ गई। अरे देख तो जरा बब्बन, इसे दबदबा जाएगी, पकड़ तो। अच्छन मियाँ मुर्गी की तरह फड़फड़ाने लगे। उसके साथ ही छेपा सा बब्बन गद्दी से उछलकर गली में कूद गया। उसने मुर्गी दबोच ली। जा जाकर घर में देकर आ और खबरदार कर दीजो, यूं दड़बे का दरवाजा खुला ना छोड़े। अच्छन मियाँ ग्राहक को रोटियां तोलते अब भी बड़बड़ा रहे थे। लो तुम मुझसे 2 शीरमाल ले लो। मैं अपना महकता बंधा पूरा खोलने को हुई कि रौनक ने रोक दिया। रोटियां तो मुझे नसीब हो ही जाती हैं बेगम साहिबा। उसकी निगाह उंगली की तरह अच्छन मियाँ की ओर उठ गई। मैं खजूर से रोजा खोलूंगी और कल
पकी पकाई सेवैयां खरीदूंगी, उसने कहा और मेवों की तरफ पलट ली। बस यूं ही डेरे डेरे फिरती रहेगी, भली बुरी जैसी भी गुजरी, टिक के बैठ तो सही, यूं चल देगी जैसे आगे कोई ठिकाना आता हो। अच्छन मियाँ फिर से बुदबुदा रहे थे। उसकी माँ कौन थी? मुझे भी आज ही हिसाब चुकता कर देना था, जाने फिर इन राहों रविशों पर से गुजर हो न हो। रहम बीबी करम, ये क्या कम है कि बब्बन को अपनी दुकान पर बैठा रखा है? वो तो लड़का है, इसलिए तुम्हारी काम जो आता है। अब उलझना बंद करो बीबी, खाक डालो उन यादों पर। आज रोजे के दिन इस तरह की बातें, तौबा तौबा, खत्म, दफन हुआ वो किस्सा। तो ये सच है कि वही रौनक की बात है और बब्बन उस बदहाल औरत का बेटा। मुझे अच्छे से अच्छन मियाँ बुरे लगे, बहुत ही बुरे। किससे क्या वाकई कभी खत्म होते हैं कि जबरन उनका गला दबाकर मुंह सी दिया जाता है। तभी देखा रौनक कदम दर कदम हमारी तरफ बढ़ी चली आ रही है। अच्छन मियाँ का जिस्म थरथरा गया। सब्र बीवी सब्र, उनकी आवाज में झल्लाहट थी। पल भर को लगा उनको इस तरह खफा किए चले जाना बेहतर समझ नहीं थी, पर कुछ था भीतर मेरे जो रोके नहीं रुक रहा था। इन चलती गलियों की तरह घिसटते रहते हैं किस्से। कोई भी गली ठीक से बंद हो पाती है क्या? कोई ना कोई सुराग निकल ही आता है। मैं रिक्शे की ओर मुड़ने को थी, एक ख्याल बीच में कूद पड़ा और मेरी आवाज में धीमे से लरस गया। ये बीच की कड़ी का मर्द कहाँ गया? बब्बन का बाप और रौनक का आशिक? रौनक के होंठ नई कोपलों की तरह लरस गए। नजर कंवर एक बेहतरीन अफसाना निगार थे। उसकी अपनी नजरों से टप से उसका दिल टपक पड़ा था। एक प्यारी सी नारंगी लौ उसकी धुआं धुआं आंखों में लपक उठी। चेहरे पर जमी काई को उस नाम की धूप ने उड़ा दिया। उसकी चेहरे की रंगत कतई बदल गई, जैसे कच्चा हरा सा आड़ू अचानक पककर डाल से टपक कर फट गया हो और उसका अनोखा गुलाबी रंग रस सब तरफ फैल गया हो। मोहब्बत का परेवी रंग था वो। नजर कवर को अपना अफसाना मिल गया होगा, मुझे भी तो मिल गया था। आपकी आवाज नहीं आ रही अर्पण कुमार हाँ, जी। माफ अर्पण कुमार कीजिएगा जी, जी, माफ कीजिएगा, मैं कह रहा हूं बहुत बहुत शुक्रिया इस बेहद भाव प्रवण कहानी की। उतनी ही सशक्त रूप से इसकी प्रस्तुति के लिए, इसके पाठ के लिए तमाम लोग इस कहानी के बाबत अपनी टिप्पणी लिख रहे हैं और इस पाठ को लेकर भी बहुत ही एक ऐसी कहानी जिसको सुनते हुए कितनी सारी चीजें हमें ध्यान में आती हैं। कुछ एक बातें कहूंगा मित्रों, मगर उसके पूर्व एक बार फिर से दोहरा दूं कि अगर किसी के पास कोई सवाल हो तो जरूर रखें। और यह कहानी तो खैर कई तरह से इस कहानी पर चर्चा की जा सकती है। रौनक धब्बा धब्बा औरत की तह दर तह खुलती हुई कहानी, और कहानी को खोलता रचनाकार किसी अनथके पत्रकार सा दिखाई पड़ता है, और यहां सर्जक का जेंडर गौण हो जाता है। यद्यपि उसके भीतर की स्त्री को बार बार समय पर घर पहुंचने की याद दिलाई जाती है। अच्छन मियाँ का अतीत भी
सामने आता है। और अच्छे से दिखते अच्छन मियाँ के चेहरों पर कुछ दाग धब्बे भी हमें दिखाई पड़ते हैं। फिर भी सुकून यह कि उस रौनक के बेटे को अपनी दुकान पर रखे हुए हैं और रोजे में गपबाजी से बचते अच्छन मियाँ की जो टालम टोल है उससे बेपरवाह मंजुल भगत अंततः अपने केंद्रीय पात्र के रहस्यों तक पहुंचती हैं। और क्या खूब पहुंचती हैं। पुरानी दिल्ली के बाजार की जो अपनी गहमा गहमी है वह भी यहां उपस्थित है। और भाषा हो, मोहल्ला हो या हों लोग, वो जो एक दोआब है संस्कृति का, वह भी हम यहाँ देख पाते हैं। बहुत ही खूबसूरत कहानी और उतना ही सशक्त पाठ। मृदुला जी, आभार आपका कि आप इस तरह से हमारे साथ जुड़ी और इस कहानी को हम तक लेके आई। लगा कि हंस में छपी वह कहानी जो जब भी छपी, ऐसा लग रहा है कि उसकी स्याही की खुशबू अब भी बिल्कुल तरोताजा हम तक आ रही है, ऐसा लगा। तमाम लोग जुड़े हुए हैं, दिनेश द्विवेदी जी, मिता दास जी, सरोज कौशिक जी, हिरण्य हेमकर जी, केतन यादव जी, मधु कांकरिया जी, कल्पना जी और कई लोग, विमल कुमार, प्रभाकर, आशु त्रिपाठी, जयश्री पुरवार जी, रामजी सिंह यादव, सरिता कुमारी, अचला बंसल जी, सुधांशु गुप्त, अजामिल व्यास, रेखा चमोली, रति सक्सेना, शिव दयाल जी और तमाम लोग। मित्रों, एक बेहद मुझे लगता है कि एक बेहद संतोष प्रद और उतना ही एक सार्थक, उतनी ही सार्थक शाम यह रही इस कहानी के साथ। और मृदुला गर्ग जी का यह पाठ इस कहानी को अपने तई एक और ऊंचाई प्रदान करता है। और इस अवसर पर एक चित्र हम देखते हैं मित्रों, जो चित्र हमें मृदुला जी से प्राप्त हुए और उसके बारे में कुछ एक बातचीत स्वयं मृदुला जी करेंगी। और उसके बाद मैं चाहूंगा कि अगर किसी मित्र के पास कुछ सवाल हो तो वे जरूर करें। उस चित्र को एक बार देख लेते हैं। और कोई ऐसी बात आप कहना चाहें मृदुला जी, स्वयं एक रचनाकार के नाते अगर इस कहानी को आप देखें तो कैसे देखती हैं, इस पर कुछ बात करें और फिर हम लोग। जी ये कहानी असल में एक परत दर परत खुलती है। शुरुआत तो ऐसे होती है जैसे भाई दुकान में खरीदारी कर रही है, उस बाजार का पूरा माहौल वो बतलाती है, और ये तो एक भिखारिन है जो मिल गई है। मगर उसकी खूबी यह है किरदार की, उसका जो तलफ्फुज है, उसकी जो पाकीज़ा उर्दू है, उसकी जो साफ जुबान है, उसको पकड़ती है वो। उसकी धब्बा धब्बा बदहाल हालत को छोड़कर उसकी पाकीज़ा उर्दू को पकड़ती है, और तब उसके मन में ये सवाल उठता है कि ये है कौन, इतनी साफ जुबान कहाँ से आई इसके पास, इसका फन क्या है। असल में उसकी जो जो वो जिरह करती है वो इसीलिए करती है क्योंकि ये औरत में जैसे दो विपरीत चीजें मिली हुई हैं। एक तो उसका हुलिया बदरंग बेहाल और उसकी जुबान इतनी साफ, तो वो उसको धकेलती रहती है इस बात की तरफ कि ये कुछ और है, ये कुछ और है। ऊपर से वो अच्छन मियाँ कहते हैं माँ के बारे में कि भाई लोगों में, अच्छे अच्छे लोगों में ताब नहीं थी उसकी तरफ देखने की, और वो हुस्नदान और सरपंच, तो पता तो चल ही जाता है कि कौन होगी वो उसकी माँ। मगर ये भटक गई, ये लड़की भटक गई, इश्क हुआ, बेटा हुआ, मगर वो आशिक नहीं रहा, चला गया। वो पहले उसका जिक्र आता है नजर कंवर का कि वो
कश्मीर के बारे में कश्मीर के क्या हो बारे तुम, में तुम क्या हो तुम, तो दिख जाए तुम तो दिख हाथी जाए तो बना दे हाथी बना पूरी दे। दुनिया। जी जी तो बिल्कुल, उसका तो जिक्र तो उसका आ ही जिक्र चुका है, वो अफसाना निगार है, मगर उस मोहब्बत की कशिश देखिए कि कितना अरसा बीत गया। एक लड़का जो हुआ था पैदा, वो इतना बड़ा हो गया, दुकान पर बैठा है, खुद वो बदहाल बेहाल है, मगर वो मोहब्बत की याद आते ही, नजर कमर की याद आते ही चेहरा खिल जाता है। और कितनी खूबसूरत उपमा है कि जैसे कच्चा हरा आड़ू डाल से टपक कर फट गया हो और उसका गुलाबी रंग, आड़ू के अंदर से वो गुलाबी रंग निकलता है, आड़ू जब फटता है तो अंदर से अंदर गुलाबी से होता है, गुलाबी होता है वो जी, गुलाबी गुलाब रंग रस सब तरफ फैल गया। मतलब वो मोहब्बत, उसकी कशिश अभी तक है, उसकी भी और माँ की मोहब्बत की कशिश, जो वो सरपेज के सामने खड़ी है, वो कहती है जैसे कुदरत का नजारा कर, बिना ललचाए बिना चाहे वो सिर्फ देख रही है उसको, जैसे उसके नीचे जो माथा है रहा है था वो बहुत उसके लिए मोहब्बत की चीज थी। तो ये जो मोहब्बत, दो तरह की मोहब्बत, माँ से मोहब्बत और आशिक से मोहब्बत, दोनों तरह की मोहब्बत उसे एक अलग शख्सियत देती है। वो धब्बा धब्बा औरत नहीं रहती, वो कहीं रौनक बन जाती है। बिल्कुल। वाह तो ये वह एक नाम बहुत जी, ही खास बहुत हिस्सा। ही खास। और शुरू में रचनाकार को यह लगता है कि जब वह अफसाना निगार की बात करती है, कहानीकार की बात करती है, तो उसे लगता है यह कोई नजूमी है क्या। शुरू में लगता है हाँ रचनाकार को यह मेरे लिए हाँ कह रही है, हाँ जबकि वह तो बिल्कुल अपने बिल्कुल आशिक के बिल्कुल लिए हाँ कह रही बिल्कुल थी। बिल्कुल हाँ, तो बिल्कुल कैसे हाँ हाँ जो एक बिल्कुल एक सधा हुआ कथाकार सूत्रों को ढूंढ जोड़ता है, वह भी हम यहां देखते हैं। और जिस पत्रकार की बात हो रही हाँ है उस समय हाँ थोड़ी सी चर्चा हुई है, बाद हाँ में कैसे वही हाँ किरदार बन हाँ के यहां जुड़ जाता है और वह उस रौनक का आशिक साबित होता है। और जो आपने बात कही कि भाषा, वह जो मतलब उर्दू की जो अपनी उसकी जो एक बेहद उम्दा उर्दू है, वह कहीं ना कहीं उस रचनाकार को कुछ खास उसमें लगता है, उसके व्यक्तित्व में, हाँ और वहीं हाँ से उसकी खोज शुरू होती है। और हर परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। अच्छन मियाँ ज्यादा बताने को राजी नहीं है, पानी पिलाने तक हाँ को राजी नहीं है कि हम वो खुद तो खैर पानी वो उसे पीते हैं। पिलाती हाँ नहीं है, पिलाती नहीं है। हाँ जी, और वो बार बार ताकीद कर रहे हैं कि शहर में जो है कर्फ्यू की भी संभावना है, आप घर जाएं। मगर एक कहानीकार की जिद देखिए कैसी खूबसूरत। और कहानीकार खुद पर भी व्यंग करता है जब वह यह कहता है कि हाँ मैं हाँ उसको कुछ रुपए देकर कैसा कैसा जो है बेदर्द सा सवाल कर रही हूं, कमीना सवाल कर कमीना रही कमीना, है कि हाँ कमीना शब्द मैं भूल रहा था, कमीना सवाल कर उसकी रही माँ हूं, के बारे माँ में के पूछ बारे रही में हूँ, सिर्फ पूछ 10 रही का सिक्का देकर। जी। तो और कहीं वह वो जो खुद पर भी निर्भर, खुद पर उसको भी उसको शर्म आती है शर्म उसको कि आती है अरे दो उसको का कि अरे सिक्का दो का कोई ऐसी सिक्का चीज कोई है ऐसी चीज है कि भी उसको जी, थमा दिया उसको तो बहुत थमा बड़ी दिया तो बात बहुत कर बड़ी दी। बात कर दी जी। और बाद में भी वह व्यंग रहता है कि हमें भी तो आखिर कहानी, मैं इसके लिए क्या कर सकती हूं, ये कुछ ना करने का जो बोध है या कुछ ना करने की जो अपनी सीमा है, उस पर भी कहीं ना कहीं रचनाकार की कलम चलती बहुत धीरे से, बहुत चुपके से, कि चलो मुझे भी एक कहानी मिल गई, उसको भी एक कहानी मिल गई थी। तो यह कहानी हर तरह से मुझे लगता है कि एक ऐसी कहानी है कि आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। कहानी कहने की जो कला हो सकती है, जिस तरह से एक एक कर चीजें आगे बढ़ती हैं और सारे किरदार, धीमे से वह पत्रकार आता है कश्मीर में जो चला गया है, वो वापस कैसे यहाँ दोबारा से आ जाता है, उसका संबंध बन जाता है, वह सब चीजें एक एक कर आई हैं। और दोनों संस्कृति भी आई है मृदुला जी, कि जो खरीदारी कर रही हैं तो हिंदू महिलाएं भी खरीदारी कर रही हैं, और बीच बीच में शक सुबह, जो शक और सुबह है वह भी आए हैं कि अरे ये तो बिंदी वाली है, तो वह चीजें भी आई हैं, मेल मिलाप भी आए हैं, कश्मीर की बातें भी आई हैं। तो एक तरह से उस समय
का जैसा उस समय का जो एक अपना जो जैसा रूप था, वह रूप पूरी तरह से इस कहानी में उपस्थित है। तो खैर, अच्छा लगा आपसे यह कहानी सुनकर। और यह चित्र मित्रों, जो हमने आज के कार्यक्रम के कार्ड पर भी रखा है, एक बार इसके बारे में कुछ सुन लेते हैं। इन दो रचनाकार बहनों की यह जुगलबंदी, जो जिसकी चर्चा अलग से होती रही और जिस पर अलग से कुछ कहे जाने की जरूरत है किसी कड़ी में, तो खैर संक्षेप में स्वयं सुनते हैं मृदुला जी से। जी ये तस्वीर दरअसल देहरादून में ली थी ब्रह्मदत्त ने, ब्रह्मदेव ने। वो बहुत मशहूर चित्रकार हैं, थे, अब तो नहीं रहे। और उन्होंने ये, वहां पे कोई गोष्ठी थी, संगोष्ठी थी, तो उसके बीच में वो फोटोग्राफी कर रहे थे, सब लोगों की ले रहे थे। और काफी कई मजेदार चित्र भी उन्होंने लिए कि जैसे खाली नाक का लिया, खाली आंख का लिया, और फिर वो उसको मिला के एक चेहरा बनाते थे, किसी वाह, की आंख, किसी की किसी आंख, की नाक, किसी की दोनों नाक। मिला के। हाँ, तो जब उन्होंने वाह, हमसे तो ये जब कहा, उन्होंने हमें हमसे ये ये सुझाव कहा, दिया, हमें ये सुझाव दिया, तो तो हमने कहा नहीं भाई, हम हमने तो कहा नहीं अपने भाई, चेहरे नहीं हम बदलेंगे तो एक अपने दूसरे चेहरे नहीं से। बदलेंगे एक दूसरे से। जी अच्छा लगा। हाँ, और सरोज कौशिक जी की प्रतिक्रिया आ रही है कि मंजुल भगत औवभगत की शौकीन थी। मंजुल भगत औवभगत की शौकीन थी। उनके बंगले के पास मेरा घर था, लॉन में बैठकर चाय पीते थे। तो ये अपने पुराने दिनों को याद और कर रही हैं और तमाम लोग उनके लॉन जो में बैठकर जी चाय लॉन में बैठकर पीना, चाय पीना, नासिरा ने भी जिक्र किया नासिरा ने भी उसका, जिक्र किया उसका, कल कहा था ना कल चाय की कहा था केतली, ना चाय जी, की केतली। और मैं और मैं उस बागान उस में बागान नरगिस बहुत में थी, नरगिस। नरगिस के फूल बहुत थे। मुझे जब भी याद आता है नरगिस के फूल याद आते हैं। और हमने बगीचा बनाया जगह जगह, मगर नरगिस नहीं खिली हमारे यहाँ। मंजुल के यहाँ तो यूं मंजिल के खिलती यहां तो थी, यूं खिलती थी, बिना खिलाए खिलती थी, आपसे आप खिलती जी थी। बिना नरगिस खिलाए मतलब खिलती थी। ऐसा अरे फूल वाह, नहीं है आपसे जो आप आम फूल हो, खिलती मगर नरगिस, मतलब क्यारियों पर ऐसा फूल नहीं क्यारियां है थी जो आम नरगिस, फूल हो। मगर जी क्यारियों पर क्यारियां थी नरगिस। जी बिल्कुल। तो एक सहज और तो एक वो भी बेहद मुझे लगता सुलझा हुआ है, तो सकारात्मक वो भी मुझे व्यक्ति। लगता है कि वो नरगिस भी वो नरगिस भी कहीं मंजुल का कहीं एक मंजुल का एक प्रतीक। प्रतीक। जी बिल्कुल बिल्कुल, यह बात सही कह रही हैं। और अच्छा लगा कि यह चर्चा हुई। और मित्रों, मृदुला गर्ग जी आज तो कुछ व्यस्त भी थी, फिर भी इस कहानी पाठ के लिए आ गई। कुछ इत्मीनान से हम उन्हें वापस यहाँ आमंत्रित करेंगे और वे मंजुल भगत जिससे जुड़ी हुई कई कई सारी प्यारी मीठी और साहित्यिक महत्व की यादें हैं जिनको साझा करेंगी। तो आज तो खास तौर से यह कड़ी इस कहानी पाठ के लिए ही रही, मगर शीघ्र ही मृदुला जी हमारे पास दोबारा आएंगी और फिर इन दो महत्वपूर्ण रचनाकारों का जो बहनापा है, हम उसे भी समझ सकेंगे, उसके भी कुछ करीब आ सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मृदुला जी, हार्दिक बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत आपका अरुण शुक्रिया कुमार आपका जी, अरुण कुमार जी, ये ये कार्यक्रम कार्यक्रम। रखने के लिए और मुझे एक मौका फिर देने के लिए कि रौनक खुद दोबारा तिबारा पढ़ूं और आपको भी सुनाऊं। शुक्रिया, जी शुक्रिया। आभार मित्रों, शीघ्र मिलते हैं। मंजुल भगत जी पर यह कार्य जारी है, कल एक नई कड़ी में मुलाकात होगी। शुभ रात्रि।